हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट हेलिकोनिया सेटिकोरम के बारे में बात करूंगी। हेलिकोनिया सेटिकोरम जो है ये एक पैरेनियल प्लांट है जिसका कि नेटिव लैंड साउथ अमेरिका है। ये आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज जो फ्लावर है उससे भी बहुत अधिक रिजेंबल करता है और करीब करीब इसका आकार वैसे ही देखने के लिए होता है। ये फ्लावर डेकोरेशन में भी काम में आता है। एक समर ब्लूमिंग प्लांट है, पर मेरे गार्डन में समय बहुत अधिक ब्लूम कर रहा है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये कितना खूबसूरत प्लांट है। हेलिकोनिया सेटिकोरम जो है वो वैसे तो किसी भी सेमी शेड में भी रह सकता है और सनलाइट में भी ये रह सकता है, पर मैं इसे सेमी शेड में रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप इन पौधों को ख़राब कर देती है। इनकी ब्यूटी, इनके कलर हल्के पड़ जाते हैं तो मैं इसको ज़्यादा सेमी शेड में ही रखती हूँ। वैसे तो हेलिकोनिया सेटिकोरम किसी भी प्रकार की सॉइल में ये हो जाता है, लेकिन मैं इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाना पसंद करती हूँ जिसमें कि सैंड, कोकोपीट आपका और गार्डन सॉइल और आपका वर्मी कंपोस्ट मिला हो और उसमें लगा करके मैं इसे रखती हूँ। अभी मैं इसके प्रोपोगेशन भी आपको दिखाऊंगी कि हेलिकोनिया सेटिकोरम को किस प्रकार से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो ट्यूबर्स के थ्रू ग्रो होता है और ये एक बहुत ही अनोखा और प्यारा प्लांट है। हेलिकोनिया सेटिकोरम प्लांट को हम लोग कभी कभी फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बर्ड ऑफ पैराडाइज से मिलता जुलता है। वैसे तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, पर ये प्लांट जो है ये एक जगह पे फिक्स रहना पसंद करता है। इसकी अगर आप बार बार गार्डन में जगह बदलेंगे तो ये इससे जो है ये थोड़ा आपका शौक में चला जाता है और ये प्लांट मर भी सकता है। इसलिए जो है इसको आप जहाँ भी रखना है सेमी शेडेड एरिया में, वहाँ पर हल्की धूप आती हो, हल्की छाया आती हो, एक जगह पे इसको सेट कर दीजिए। इसकी जो लीव्स हैं वो कितनी सुंदर बनाना लीव्स की तरह डीप ग्रीन कलर की और शाइनी लीव्स हैं, ये भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। हेलिकोनिया सेटिकोरम का फॉलिएज भी अपने आप में बहुत अधिक सुंदर लगता है। इसमें ये ट्यूबर्स के आकार के जो येलो येलो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं जिनके कि टिप पर, ये हर टिप पर ब्लैक मार्क लगा हुआ है नेचुरल, कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद ये जो नीचे इसका रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये इसका ब्रेथ है। तो फ्लावर्स जो हैं इसके ट्यूबर्स के आकार के होते हैं और सबसे ज़्यादा जो इसमें एक नेचुरल ब्लैक मार्क लगा रहता है बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है। हेलिकोनिया सेटिकोरम के जो फ्लावर्स हैं ये रेड, ऑरेंज और ब्लैक शेड में मिले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आइए अब हम इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रोपोगेट करें। ये फ्लावर हैमिंग बर्ड्स के लिए एक मैग्नेट का काम करता है और हैमिंग बर्ड्स इसके ब्रेथ में आ कर के रहना और इस पे बैठना बहुत अधिक पसंद करती हैं। तो चलिए इसकी ब्यूटी को देखते हुए अब हम इसके प्रोपोगेशन के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी हम इसके लिए बनाएं। ये एक टॉल प्लांट है तो इसको हम थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाएं तभी ये अच्छा रहता है और गर्मियों में बहुत अधिक ब्लूमिंग करता है। तो मैंने इसके पॉटिंग मिक्स में देखिए ये चार चीज़ें ले करके मैं इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करूंगी। ये गार्डन सॉइल है और ये है, मैंने कोकोपीट की मात्रा थोड़ी कम ली है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमी फिर पौधे में बनी रहती है।
ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये मैंने जितना ये लिया है गार्डन सॉइल उतना ही लगभग ये मैंने सैंड लिया है। अब इन चारों के मिक्सचर को मैं इसके प्रोपोगेशन के लिए डाल दूंगी इस तरीके से। सैंड का की मात्रा हम लोग जो है वो ज़्यादा रखते हैं, ताकि जो है वो अगर इसकी जो सैंड इसकी जो आपकी मिट्टी है वो अगर सैंडी बनी रहेगी तो उससे जो वाटर है वो अच्छी तरह से ड्रेन होके पौधे के नीचे से निकल जाता है। इस तरीके से ये देखिए हमने ये पॉटिंग मिक्स मिला लिया है चारों चीज़ों का, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सॉइल, इसका मिक्सचर ये मैंने तैयार किया है। अब ये मैंने ये 12 इंची का गमला लिया है और इसमें मैं इस टॉल प्लांट को प्रोपगेट करूंगी, इसके नीचे ये मैं लगा दूंगी ताकि इसमें मिट्टी ना अटके। अब मैं आपको प्रोपगेट करने से पहले इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये ट्यूबर से जो प्लांट होता है कितना क्लियर और साफ ट्यूबर इसका दिखाई दे रहा है। हेलिकोनिया सेटिकोरम का ट्यूबर इस पिक्चर में कितना साफ और अच्छा दिखाई दे रहा है। ये मेरे दूसरे प्लांट में भी ट्यूबर इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसका ट्यूबर थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें भी दिखाई दे रहा है। बट हमें इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और अब हमें करना ये है कि हम इस पॉट में आपका ये सैंड भरेंगे। ये जो हमने मिट्टी सॉइल बनाई है ये हम डालेंगे। जब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो इसमें हम इसको लगा देंगे, लगा के और फिर मैं इसको कवरेज कर दूंगी। तो इस तरीके से हम इसका प्रोपोगेशन कर लेंगे। इसको आप जिस भी पोजीशन में, सीधी पोजीशन में रखें तो इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए ये मेरा पौधा इसमें गमले में ये प्रोपोगेट हो गया। ये देखिए ये देखिए ये कितना अच्छा से प्रोपोगेट हो गया। ये अब हम इसमें प्रोपोगेशन के बाद एक जो मेन काम करना है वो हमें इसके साइड साइड से वाटरिंग इसमें कर देना है। हर प्लांट को लगाने के बाद थोड़ी सी वाटरिंग ज़रूर किया करिए, क्योंकि उसमें खाद भी होती है जो कि थोड़ी हल्की सी गर्म होती है। तो इस तरीके से ये मेरा प्लांट लग के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से मैंने ये सभी प्लांट जो हैं वो प्रोपोगेट करके गमलों में लगा दिए हैं। तो अगर आपको ये हेलिकोनिया सेटिकोरम के फ्लावर्स अच्छे लगे हों, इसके प्लांट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।